हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 2023-2024 के लिए एडमिशन फॉर्म ANM JEE&NM रिलीज़ हो चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर कुछ बड़ी खुशखबरी आ रही है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एडमिशन फॉर्म जारी हो गए हैं। जो एडमिशन फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, अगर इच्छुक हैं तो जा करके अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप करा दीजिए फ्रेंड्स। तो क्या खुशखबरी आ रही है, चलिए वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अपडेट आने पर आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा कि क्या अपडेट है, क्या नई न्यूज़ आई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। MGUG सर्च कर लेते हैं, क्या देखते हैं। यहाँ पर नोटिस आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। सभी जो भी कोई इच्छुक हैं तो आप जा कर के अपना फॉर्म फिलअप करा दीजिए। तो प्रवेश संबंधी ऑनलाइन फॉर्म CET 2023-2024 के हेतु महत्वपूर्ण सूचना। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, ठीक है, 2023-2024 CET में भरे जाने वाले अंतिम तिथि 31 मई 2023 हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपकी डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया हुआ है। पोस्टपोन्ड होने की डेट, देखिए वजह सिर्फ इतनी है कि आपका जो CBSE का रिज़ल्ट आया है वो अभी डिक्लेयर हुआ है रिसेंट में। अभी आज दूसरा ही दिन है शायद, मेरे ख्याल से कल ही डिक्लेयर हुआ था। और ICSE का अभी नहीं आया है रिज़ल्ट, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डेट को यहाँ पर पोस्टपोन्ड होते हुए आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से देखिए, काफ़ी बच्चे जो इच्छुक हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो वो जा कर के अपना फॉर्म फिलअप करा लीजिए। 31 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वैलिड हैं, आप 31 तक करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ आपको मैं एक चीज़ शेयर और करूँगी कि यहाँ पर आप CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि 15/5/2023 तक घोषित ना होने पर आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने जो बताया वो ये सेम वही है। तो यहाँ पर डेट पोस्टपोन होने का यही रीज़न है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो CBSE और ICSE बोर्ड का, तो वो अभी रिसेंट में आया है CBSE का, ICSE का तो नहीं आया है, अभी आना बाकी है। तो शायद देखिए डेट अभी इतनी बढ़ाई है, तो आई थिंक सो डेट बढ़ सकती है फ्रेंड, मे बी, नॉट कन्फर्म, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, क्या क्या यहाँ पर सीट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अप्लाई फॉर सीट CET पर यहाँ पर जा करके आप क्लिक करके देखिएगा, खुद से आप जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। तो लोड हो रहा है, देखते हैं क्या क्या सीटें हैं, किस तरीके से है। तो UG कोर्स, PG कोर्स और डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा। नर्सिंग, ठीक है, पैरामेडिकल, MSc, ANM, JEE&NM, BSc नर्सिंग ओनली फॉर फीमेल्स के लिए भी है, पोस्ट बेसिक BSc भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मिनट आपको शो कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज है, PG कोर्सेज है, UG कोर्सेज है। आप जाकर ऑफलाइन अपना ये इसी वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके कोर्सेज क्या हैं। जो इच्छुक हैं आप उस चीज़ को ज़रूर अपना, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कि आप कुछ अच्छा करें तो आप इसमें से सिलेक्ट ज़रूर कर लें। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं है फ्रेंड, यूनिवर्सिटी यहाँ पर, ये जो MGUG है वो प्राइवेट है। प्राइवेट में जो भी एडमिशन लेंगे फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा होगी। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना प्राइवेट में तो ही आप एडमिशन लीजिए। बट अगर मैं आपको सलाह दूँ तो आप एक तरीके से एज अ फ्रेंड मैं सलाह दूँ तो गवर्नमेंट जितना अच्छा होता है उतना प्राइवेट अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको गवर्नमेंट पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नॉट प्राइवेट पर, अगर मैं एक सलाह दूं तो। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अगर सलाह अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे यस ज़रूर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, ये तो हमने कोर्सेज देख लिए हैं, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करा जाना है तो इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड खुल के आएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपका यहाँ पर कुछ एग्री करने के लिए मांगेगा, तो यहाँ पर यस कर दीजिए, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन को ओके कर दीजिए। उसके बाद में आपको फॉर्म अपना इस तरीके से फिलअप करने के लिए बोलेगा। फॉर्म में क्या क्या होगा, ठीक है, अप्लाई फॉर जो आप अप्लाई करने जा रहे हो, यहाँ पर परसेंटेज, जेंडर, तो इस तरीके से आपसे ये फिलअप करने के लिए बोलेगा फ्रेंड्स। फादर नेम, मदर, ऑक्यूपेशन,
ठीक है, तो यहाँ सिटी, स्टेट, पुलिस स्टेशन वगैरह सब कुछ, ETC जो भी यहाँ पर जानकारी है वो आपसे मांगेगा। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सब चीज़ें आप बहुत ही केयरफुली फिलअप करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।